पैसे का लेन देन कई बार रिश्ते नातों और परिचय पर भारी पड़ जाता है। काशीपुर में भी पैसे के लेन देन में दो युवकों ने अपने एक परिचित की जान ले ली। काशीपुर के थाना आईटीआई के में खड़गपुर देवीपुरा शमशान घाट के पास एक सफेद कलर की कार लवारिस अवस्था में मिली और उसी के पास एक व्यक्ति का भी शव मिला। पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार को मौके पर एक कार मिली और कार के पास ही पानी भरे खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस की जांच में शव की शिनाख्त शशांक डोभाल के रूप में हुई है। मृतक के पिता कृष्ण कुमार डोभाल ने अपने पुत्र शशांक डोभाल की अज्ञात लोगों को द्वारा हत्या किए जाने की शंका जाहिर की है। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच की और पाया कि पैसे के लेन देन में ये हत्या की गई है। हत्या के मामले में दो अभियुक्त शिखर सक्सेना समेत साथी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि एक डेड बॉडी और एक लावारिस वाहन शमशान घाट आईटीआई थाना क्षेत्र में मिला। जब शिनाख्त की गई बॉडी की तो ये पता चला एक शशांक डोभाल है जो आईटीआई थाना क्षेत्र में निवासरत है, उसकी डेड बॉडी थी। उसके बाद इसके फादर के द्वारा 27 को एक अज्ञात में तहरीरी सूचना दी गई कि कहीं ना कहीं मुझे ये शक है कि मेरे बेटे को मार दिया गया है। पूरा सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद उसके अलावा जो घटनास्थल पर एक लावारिस वाहन खड़ा था उसकी पूरी पूरा रिकॉर्ड्स निकालने के बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो शशांक डोभाल था इसका दो लड़कों के साथ कहीं ना कहीं विवाद था। जो दोनों लड़के थे दोनों जो हैं वो आईटीआई थाना क्षेत्र के ही हैं, एक है शिखर सक्सेना और एक है दीपक यादव। तो इन तीनों का कोई ना कोई विवाद था, पैसे का लेन देन का भी मैटर था, जिसके तहत इन दोनों ने उसे वहाँ जाके शमशान घाट में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो ड्राउन होके लड़का जो था वो मर गया था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।